नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जो आज MPPSC 2022 की प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसका पेपर एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें कितना कट ऑफ आएगा और किन लोगों को मेंस की तैयारी शुरू करना चाहिए, इसमें किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, सभी एनालिसिस करेंगे बहुत जल्दी। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि आखिर इसमें क्या खास रहा। तो इसको ध्यान रखिए कि ये टिपिकल MPPSC के जो विगत 4-5 सालों से पेपर आ रहा है लगभग वैसा ही पेपर है। इसमें कुछ भी बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट कुछ खास नहीं था, थोड़े बहुत हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसा चाहिए, टिपिकल MPPSC का ही पेपर है। अब अगर हम दूसरी चीज़ की बात करेंगे तो इसमें से अगर हम 100 प्रश्नों में से बात करें तो 60 प्रश्न तो बहुत ही इजी वाली श्रेणी के थे, मतलब बहुत ही सरल थे मतलब इजी थे। जो भी व्यक्ति लगभग 6 महीने से 1 साल की तैयारी कर रहा है छात्र, उससे बहुत आसानी से 60 प्रश्न बन गए होंगे। और जो लगभग 25 से 30 प्रश्न हैं वो मॉडरेट से टफ की कैटेगरी में है, मतलब जिन्होंने बढ़िया तैयारी की होगी, सभी टॉपिकों पे उनकी अच्छी पकड़ होगी, 6 महीने से 1 साल उन्होंने 5 से 6 घंटे तैयारी की होगी, सारे टॉपिक प्रमुख रूप से कवर किए होंगे, तो उनसे बन गए होंगे। और 10 प्रश्न लगभग ऐसे हैं इसमें जो थोड़े से टकी थे, जिनमें कुछ विश्लेषण की जरूरत पड़ी, उसके बाद ही वो हल किए जा सकते हैं। मतलब 10 प्रश्नों को हम सीधे सीधे कह रहे हैं तो ये टफ श्रेणी में है, ये सभी से नहीं बनेंगे, ये कुछ बच्चों से बनेंगे, कुछ छात्रों से बनेंगे जिन्होंने बढ़िया तैयारी की। लेकिन सारा खेल जो है ये 60 प्रश्न और ये जो 25-30 प्रश्न है, यानी ये जो 90 प्रश्न है, सारा खेल यहीं पर है। ये 10 प्रश्न आप छोड़ दीजिए कि चलिए अगर टफ हैं और नहीं बन रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए। अब देखते हैं थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट क्या हो सकता है। तो देखिए, SH तो बहुत ज़्यादा कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, लेकिन करंट अफेयर और स्पोर्ट तथा साइंस टेक्नोलॉजी के प्रश्नों की संख्या पिछले 2-3 वर्षों से कम होती जा रही है। तो ये सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर बच्चे बहुत करंट अफेयर की तैयारी करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी करते हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर किसी को भी पिछले 2-3 साल से अगर वो MPPSC के पेपर का प्रॉपर एनालिसिस कर रहा होगा, देख रहा होगा, मेरा एनालिसिस उसने देखा होगा 2-3 साल का, तो वो समझ जाएगा कि इन प्रश्नों की संख्या निरंतर कम होती जा रही, करंट अफेयर भी कम हो रहा है, स्पोर्ट्स भी कम हो रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी से भी पिछले 2-3 साल से प्रश्न कम है। फिर अगर हम बात करें तो जो MPGK है, जिससे प्रश्नों की संख्या पिछले 3-4 साल में लगातार वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो सेम इस साल भी रहा। इस साल वो लगभग 28 प्रश्न उन्होंने MPGK से पूछे, तो MPGK से प्रश्नों की संख्या है इस वर्ष 28। अगर हम पिछले 2-3 वर्षों में देखें तो ये लगभग 30 इसी कैटेगरी में चल रहा है। तो उसके हिसाब से MPGK के प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या रहती है, तो इस साल भी बढ़िया है। फिर अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न, तो ऐसे प्रश्नों की संख्या 5 से 10 है, जिसमें थोड़ी सी परेशानी छात्रों को आ सकती है, बाकी तो टिपिकल PSC पैटर्न का ही ये पेपर है, तो ऐसा इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, अगर अब ओवरऑल इसका एनालिसिस करें तो ओवरऑल एनालिसिस में भी ये समझ में आता है कि ये टिपिकल MPPSC का ही पेपर है, जिसे हम अगर रखना चाहेंगे तो हम इस पेपर को ना तो ये टफ कैटेगरी में है, ये एवरेज और मॉडरेट कैटेगरी का पेपर है, यानी एवरेज टू मॉडरेट कैटेगरी का पेपर है, ये टफ नहीं है, बहुत इजी नहीं है, एवरेज से मॉडरेट कैटेगरी का पेपर है। ठीक है, अब इसके बाद एक एनालिसिस इसका भी ले लेते हैं, CSAT का, यानी अभिरुचि परीक्षण का। तो अभिरुचि परीक्षण के इस बार के पेपर में इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे प्रश्न, लगभग मुझे लगता है 40 प्रश्न तो इन्होंने हिंदी से पूछ लिए, इसके बाद रीजनिंग मैथ से प्रश्नों की थोड़ी सी संख्या कम थी, यानी ये कुल मिला के वैसे भी इजी पेपर ही है, वैसे भी क्वालिफाई है, तो बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम नहीं है इसको लेके। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों के ध्यान में यहाँ लाना चाहूँगा कि अब MPPSC भी कोशिश कर रही है आपको लगातार सरप्राइज करने की। जैसे UPSC में क्या होता है, वो एक सेट पैटर्न बनने नहीं देना चाहते कि जनरल स्टडीज़ के किसी पर्टिकुलर साल में वो किसी टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न लेते हैं, किसी टॉपिक से कम लेते हैं, जिससे लोगों के दिमाग में एक निश्चित धारणा ना बन पाए कि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा आएंगे, इससे कम आएंगे, तो वो थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं, जिससे सिलेबस पर पूरी तरह से बच्चे की पकड़ बने। तो मुझे लगता है कहीं कुछ उसके आसपास वाले पैटर्न पे अब ये MPPSC भी चल पड़ी। चलिए, तो आप देखते हैं इस बार विभिन्न प्रश्न आए, किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो जैसा मैंने कहा, सबसे ज़्यादा प्रश्न आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं MPGK से।
एमपी जीके से सर्वाधिक प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या है 28, जो कि ऑब्वियसली है हर साल आता है। नंबर टू पे सर्वाधिक प्रश्न आए हैं इंडियन हिस्ट्री से, लगभग 16 प्रश्न आए हैं। नंबर थ्री पर है इंडियन पॉलिटी, 12 प्रश्न आए हैं। नंबर चार पर है ज्योग्राफी, 3 प्रश्न आए हैं, 9 प्रश्न आए हैं। नंबर छः नंबर पे है ये कंप्यूटर एंड आईटी। फिर इसके बाद 7 नंबर पर है ये आपका करंट अफेयर स्पोर्ट्स। फिर 8 नंबर पर आपके प्रमुख जो आयोग वगैरह हैं वो हैं। फिर 9वें स्थान पर साइंस टेक्नोलॉजी है, 6 प्रश्न हैं। 10वें स्थान पर इन्वायरमेंट है। और फिर 11वें नंबर भी अगर हम लें तो ये हो गया आपका 2 प्रश्न इंडियन इकोनॉमी से। ये नंबर 11 नहीं 10 ही होंगे, एक बीच में छूट गया है नंबर, 5वां नंबर लिखना भूल गए। तो ये कुछ एनालिसिस है, यानी अगर आप ध्यान से इसे देखने की कोशिश करेंगे तो जिन भी छात्रों ने विशेष तौर पर एमपी जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, जैसा कि अगर आपने मेरे एनालिसिस पहले देखे होंगे तो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये 3-4 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन पर आप अपनी पकड़ बनाइए। और इसके अलावा जैसा मैंने पिछले वर्षों से ही गैस करना और बताना शुरू कर दिया था कि आईटी भी आने वाले वर्षों में आईटी से कंप्यूटर से प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी, तो उसी तरह से अब हम देख लेते हैं तो क्या संभावित है। सरप्राइजिंग एलिमेंट वगैरह मैंने आपको बता ही दिए। स्पोर्ट्स से कम है प्रश्न, तो ये अच्छा क्या है इस वर्ष, तो अच्छा क्या है सीधा है कि अभी प्रारंभिक तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक कोई भी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन विवाद, कोई ऑप्शन में कन्फ्यूजन विवाद नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि पिछले कई वर्षों में आपने देखा कि 5 से 10 प्रश्नों तक में विवाद, ऑप्शन में विवाद, ये सब होते रहे। तो अब आगे क्या करना चाहिए, तो मेरा सजेशन है जिन भी जनरल कैटेगरी के साथ छात्रों के 70 से 74 प्रश्न सही हो रहे हैं उन्हें तीव्र गति से जुड़ जाना चाहिए। मैं पूरा एनालिसिस नीचे बताता हूं आपको जिससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो देखिए ये है कि जिन भी छात्रों के जनरल कैटेगरी के छात्र, अनारक्षित छात्रों के 70 से 76 प्रश्न हैं सही हो रहे हैं वो तैयारी शुरू करें। जो ओबीसी के छात्र जिनके 68 से 74 प्रश्न हो रहे हैं तैयारी शुरू करें। जो एससी के छात्र जिनके 64 से 68 प्रश्न शुरू हो रहे हैं वो तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो एसटी के छात्र हैं जिनके 62 से 66 प्रश्न सही हैं वो तैयारी शुरू करें। जो ईडब्ल्यूएस है उसके 68 से 72 प्रश्न, और दिव्यांगजन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 42 से 58 संभावित कट ऑफ ये हो सकता है। मतलब जो व्यक्ति, जो छात्र इस कैटेगरी में हैं उन्हें बिना टाइम गवाए तुरंत शुरू कर देना चाहिए। एक और कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन, उनके 40 से 52। तो आप एक बार इस एनालिसिस को चेक कर लें, जो भी छात्र इस एनालिसिस में आ रहे हैं उन्हें बिना डाउट के, बिना कन्फ्यूजन के तैयारी शुरू कर लेना चाहिए। हाँ, अपने आंसर एक बार मिला लीजिए पूरी तरह से, जिससे आप मुख्य परीक्षा की तैयारी यथाशीघ्र शुरू कर सकें। एक और एनालिसिस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 7 वर्षों के जो एमपीपीएससी के विभिन्न टॉपिक से प्रश्न आए हैं उनको देख लीजिए। तो आपको एवरेज अगर आप देखना शुरू करेंगे 19, 20, 21, 22, अगर इन 4 वर्षों का आप औसत देखेंगे तो एमपी जीके से आप प्रश्नों को देखिए 30, 33, 36, 28, मतलब लगभग औसत एमपी जीके से ही वो सर्वाधिक प्रश्न पूछ रहे हैं पिछले 4 वर्षों से। इसके बाद वो हिस्ट्री से, फिर ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इन पर जोर देते हैं। तो आप अगर एनालिसिस करेंगे तो लगभग उसी तरह से आएगा। तो इसका मतलब ये है आगे भी जब आप परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, एमपीपीएससी प्री की तैयारी करेंगे, तो इस एनालिसिस को ध्यान रखेंगे। तो ये अभी प्रारंभिक एनालिसिस है, तो इसके लिए मैं जस्ट आपको एक सजेशन यही देना चाहूँगा कि आगे मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मेरा सजेशन है कि जो लोग भी, जो छात्र भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, ये एक संभावित कैटेगरी है लेकिन लगभग इसके आसपास ही रहेगा। पिछले वर्ष भी मैंने जो संभावित कैटेगरी जो क्वेश्चन बताए थे वो सही निकले थे। तो जो भी छात्र लगभग इस कैटेगरी में है उन्हें तैयारी शुरू कर देना चाहिए। धन्यवाद।